संभल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने की पुलिस की मंशा को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को तमंचों समेत गिरफ्तार किया। मामला बहजोई कोतवाली इलाके का है, जहां थाना पुलिस, SOG, सर्विलांस एवं नारकोटिक्स टीम ने आज संयुक्त अभियान में सत्यभान हरिओम और राजेश नाम के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों लूट और अपराधों के आदी हैं तथा गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे। SP चक्रेश मिश्र ने बदमाशों की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि चुनाव के मद्देनजर 50 बड़े बदमाशों को गिरफ्तार करने का अभियान है, जिसमें आज कामयाबी मिली। जनपद संभल की पुलिस के द्वारा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जिले के कुल 50 अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज पहली बड़ी सफलता अर्जित करते हुए CO संभल, CO अपराध जो हैं जितेंद्र कुमार, इनके नेतृत्व में सर्विलांस और SOG की टीम व बहजोई पुलिस की टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त 25,000 रुपए के इनामी हैं। इनके नाम सत्यभान, ये थाना धनारी का रहने वाला, हरिओम थाना हयात नगर, राजेश थाना धनारी का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर व अन्य कुल 8 अभियुक्त अभियोग पहले से पंजीकृत हैं। इनके चेकिंग में से इनके पास से 3 अवैध शस्त्र व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उसके अनुसार भी विधिक रूप से कार्रवाई करते हुए इन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये लोग गैंगस्टर के अपराधी हैं और लूट के मुकदमों में पहले भी जेल जा चुके हैं। इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध संभल जनपद की पुलिस के द्वारा लगातार अगले 1 महीने में अभियान चलाया जाता रहेगा, जिससे कि हम लोग शांतिपूर्वक चुनावों को कराने में सक्षम हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।